अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे नाक के बाल चिमटी कैंची या किसी दूसरी चीज से निकालते या काटते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करके आप अनजाने में ही सही अपनी सेहत पर बुरी तरह से नुकसान करवा रहे हैं। नाक के बाल भद्दे और अजीब भले ही लगते हैं, लेकिन ये आपको हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं नाक के बाल तोड़ने या निकालने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो साथियों, मैं हूं प्रदीप, लेकर आई हूं आज आपके लिए एक नई वीडियो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम नाक के बाल काटने के 3 गंभीर नुकसान और नाक के बाल काटने का सही तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए आगे जानते हैं। इन्फेक्शन का खतरा। नाक के बाल सेहत के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये बाल सांस लेने वाली सभी चीजों को फिल्टर करके अंदर भेजते हैं। नाक के बाल काटने या निकालने से इन्फेक्शन फैल सकता है। जब भी आप अपने नाक के बालों को निकालते हैं तो फॉलिक्स के पास के कीटाणु और कण वाइब्रेशन के बिना ही अंदर पहुंच सकते हैं। नंबर 2, ब्रेन को इफेक्ट कर सकते हैं। हमारे मुंह और नाक के बीच चेहरे पर एक त्रिकोणीय आकार का क्षेत्र होता है। यह ब्रेन को फंक्शन करने में मदद करता है। जो नसें नाक से खून को बाहर ले जाती हैं, वो दिमाग से खून ले जाने वाली नसों के साथ मिलकर काम करती है। जब नाक के बाल काटे जाते हैं तब कीटाणु दिमाग तक पहुंच सकते हैं और फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 3, बैक्टीरिया फैलने का डर। नाक के बालों को तोड़ने या वैक्स करने पर शीघ्र बैक्टीरिया और अन्य कीटाणुओं के संपर्क में आ सकते हैं। इससे कीटाणु दिमाग तक पहुंच सकते हैं। यह एक गंभीर समस्या है। दोस्तों, अब जानते हैं नाक के बाल कैसे काटने चाहिए। अगर आपके नाक के बाल काफी बढ़ गए और आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको इसे नोचने या तोड़ने की बजाय ट्रिम करना चाहिए। इससे ज्यादा नुकसान भी नहीं होता और आपकी सेहत भी बिगड़ने से बच सकती है। साथियों, आज हमने एक ऐसे विषय पर बात की है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मैं आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पर लाइक कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिए। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।